यहाँ पे जॉब्स है ही नहीं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा होमलेस और ड्रग एडिक्ट्स घूम रहे होते हैं। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. तो गाइज हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है, या तो हम पीयर प्रेशर में इतना घुस चुके हैं हम उन्हें ही फॉलो करते हैं, या फिर हम देखा दिखाई की जिंदगी में जीना चाहते हैं, या फिर हम सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं कि हमें कुछ भी वहाँ दिखता है वो हमें सच लगना शुरू हो जाता है। सेम ही कंसेप्ट तभी फॉलो होता है जब हमने कैनेडा आना होता है। अगर एक ग्रुप में से दो बच्चे बाहर चले गए तो तीसरे ने भी जाना ही जाना है विदाउट अपनी रिसर्च करे। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक अपने दोस्त से जो अभी अभी कनाडा आए हैं, और उनसे हम पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मींस हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करने वाले हैं आज कनाडा की। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन एज वेल। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज मेरे साथ है मेरी दोस्त, आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे इनका कनाडा का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो आपका नाम? Hi guys, मैं नाम है सुहानी एंड मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं, तो आप हाई स्कूल करके आए या ग्रेजुएट होके आए हैं? मैं यहाँ आफ्टर 12th का आई हूँ, हाई स्कूल करके आई हूँ। सो 12th के बाद सडन कनाडा आने का प्लान कैसे बना? लाइक बेसिकली ये आजकल तो ट्रेंड ही है कि बच्चे 12th के बाद कनाडा आ रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि सबको जल्दी जल्दी चाहिए, लाइक काम वगैरह सबको जल्दी स्टार्ट करना है, क्योंकि इंडिया में ये पैटर्न है, आप लोग पहले बैचलर्स करते हो फिर मास्टर्स करते हो एंड देन उसके बाद आप काम करना शुरू करते हो। बट आजकल सबको लग रहा है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप या फिर सब कुछ अपना बिजनेस खोलेंगे और ये सब स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए किक स्टार्ट मिल जाती है कनाडा से। बट मेरा डिसीजन जो था, मेरे को CPA US करना आगे, और ये कनाडा से ईजियर है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में CPA ACCA इतने लोग नहीं जानते हैं एज कम्पेयर टू कनाडा, सो दैट्स व्हाई आई चोज कनाडा। मतलब आप अपना पूरा रोड मैप बना के आए हो कि इसके बाद मुझे इधर मूव होके ये कोर्स करना है। सो यहाँ पे आपने कौन से कोर्स में एनरोल हुई और आपका कॉलेज कौन सा? मैं अभी इंटरनेशनल बिजनेस में हूँ और मैं कॉनेस्टोको कॉलेज में हूँ, किचनर डाउनटाउन कैंपस। कॉलेज कैसा लगा? मैंने वीडियोस देखी हैं, काफी अच्छा कॉलेज है। कॉलेज अच्छा है, लाइक बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, बट ठीक है लाइक। और जो आप प्रोग्राम में एनरोल होके आए हो, तो आपका डिसीजन था या मतलब जैसे एजुकेशन कंसल्टेंट जो हमारे इंडिया में होते हैं वो फोर्स करते हैं भी ये कोर्स ले लो इसी से वीजा आएगा? बेसिकली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने सोचा था कि मेरे को फाइनेंस और अकाउंटिंग कोई कोर्स चाहिए, बट उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं था और उन लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप इंटरनेशनल बिजनेस, तो मैंने अपनी खुद की भी रिसर्च करी थी और यही सब कोर्सेज अवेलेबल है, लाइक अकाउंट्स करना है इसमें, फाइनेंस भी है, तो बैकग्राउंड सारा वही वाला है, दैट्स व्हाई आई चूज। गाइस मेरी भी ये रिकमेंडेशन है, अगर आप यहाँ पे मूव हो रहे हैं तो आप अपना प्रोग्राम की रिसर्च करके आए, कोई थर्ड पर्सन कोई कंसल्टेंट आपको बोल रहा है तो उस कोर्स में एनरोल होने से पहले मेक श्योर करें कि वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे कंसल्टेंट ने जो भी कोर्स दिया मैं वो लेके आ गया और उसके बाद जो जो चैलेंजेस मैंने फेस करे हैं वो सिर्फ मुझे ही पता है। तो वैसे टाइम कितना हो चुका अभी आपको कनाडा में? मेरे को 4 months हो गए हैं, लाइक मैं मेन टेक की स्टूडेंट हूँ और 4 months हो गए बेसिकली। तो यहाँ रहने वगैरह का कैसे मैनेज किया? यहाँ पे दो साइट्स हैं, मार्केट प्लेस और KGG, सब लोग उसी पे घर ढूंढते हैं, तो मैंने भी ऑब्वियसली उसी पे ढूंढा। ठीक है, तो जब मैं आया था यहाँ पे 2019 में, तब मार्केट सिचुएशन कुछ अलग थी, जॉब लेना बहुत इजी था, बट अब 2023 में रिसेशन करके जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, तो जॉब आपको मिल चुकी है या अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं फाइंड करने? अभी मेरे को जॉब नहीं मिली है, लाइक मैंने सिर्फ 1 month जॉब करी है यहाँ पे जब से मैं आई हूँ, बिकॉज यहाँ पे जॉब्स है ही नहीं, लाइक कितना भी टाइगर हो, रेफरेंस एक रेफरेंस ही होप होती है जिससे जॉब मिल रही है आजकल बच्चों को, बट वैसे जॉब्स नहीं है, लाइक कोई नहीं पूछता, इतने रिज्यूमेज इनके पास पड़े हुए हैं, इतनी फाइल्स पे फाइल्स, लाइक 200-300 रिज्यूमेज वॉलमार्ट वालों के पास मैंने जब पूछा था तो इतने उनके पास थे, तो फिर वही बात है, किसी के वो देखते हैं किसी के नहीं। गाइस ऐसी बात नहीं है कि जॉब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बट सिर्फ ये राइट टैलेंट नहीं मिल रहा जो हायरिंग टीम है उनको। अब जो भी कनाडा में आ रहा है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इंडिया की, तो वहाँ से हाई स्कूल करके बच्चे आ जाते हैं, सबका बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम है, कॉमर्स नॉन मेडिकल सिर्फ यही सब है, और जो स्किल्ड जॉब है उन सब की हायरिंग हो रही है, बट वैसा टैलेंट आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, तो मैं ये भी रिकमेंड करूँगा अगर आप यहाँ पे मूव हो रहे हो तो आप अपना प्लान करके आओ, कुछ ना कुछ ऐसी स्किल लेके आओ जो आपको अलग खड़ा करेगी एक टीम से। सुहानी एक बात और बताओ, जैसे हम इंडिया में होते हैं हम यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे देखते हैं कनाडा की लाइफ हाई एंड लग्जरी लाइफ है,
वैसा कुछ है या रियलिटी में कुछ वैसे बिल्कुल भी नहीं है। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, सारे के सारे जितने भी हैं, सब लोग नाइट शिफ्ट लगा रहे हैं, डे शिफ्ट लगा रहे हैं, जिनके पास जॉब है ऑब्वियसली, और वो लोग लाइक बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे, जितना इंडिया में एज कम्पेयर यहाँ से ज्यादा लग्जरियस लाइफ है बच्चों की। एक बात आपने बोली डे नाइट शिफ्ट लगा रहे हैं, तो उससे एक पॉइंट होता है भी, जैसे गर्ल्स के लिए कनाडा 24 आवर्स वर्क कर रहा है, तो गर्ल्स अगर रात को बाहर निकले, कनाडा एक सेफ कंट्री है कि नहीं? नहीं है, लाइक मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा होमलेस और ड्रग एडिक्ट्स घूम रहे होते हैं रात को, बट वो ये एज कम्पेयर टू इंडिया, हाँ यहाँ पे सेफ है। इंडिया में तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरा हाल है, लाइक दिल्ली देख लो, बहुत ज्यादा बुरे हाल है, बट यहाँ पे ठीक है। अगर किसी की नाइट शिफ्ट है, अगर आप बसेस कहीं किसी भी बिजी जगह पे हो तो ठीक है, बट कोई भी सुनसान जगह पे नहीं जा सकते। तो गाइस हर जगह ऐसा ही होता है, तो हमें खुद ही अपना ध्यान रखना है। अभी होमलेस हैं, ड्रगी बहुत होते हैं यहाँ पे, तो उनसे थोड़ा अवॉइड करें, कई बार वो आपके पीछे भी आएंगे, तो जस्ट मूव ऑन, लीव दैट, इग्नोर दैम। अब अपने चार मंथ के एक्सपीरियंस के बेस पे बताओ, एक कनाडा की पॉजिटिव चीज और एक कनाडा की नेगेटिव चीज। पॉजिटिव यही है, लोगों के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, छोटे से छोटा काम को ना यहाँ पे लाइक इम्पोर्टेंस देते हैं लोग, बट नेगेटिव बात यही है कि कोई भी लाइक बहुत ज्यादा लोनलीनेस हो जाती है एकदम से, होम सिकनेस बहुत ज्यादा है, मतलब दिमाग को समझा के आना पड़ता है, हिम्मत के साथ आना पड़ता है, वही बात है। वो भी सब मैनेज हो जाएगा जब आपकी जॉब लग जाएगी, बिजी हो जाओगे, आप इस कल्चर को अडॉप्ट कर लोगे, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली फिक्स होना शुरू हो जाएगा। एक बात और बताओ, आपको चैलेंजेस कौन कौन से फेस करने पड़े कनाडा में आपकी चार महीने की जर्नी को लेकर? चैलेंजेस लाइक रूममेट्स मेरे को अच्छे नहीं मिले लाइक स्टार्टिंग से, अभी मैं कार्बन में अभी मैं ठीक हूँ, लाइक जब मैं आई थी लाइक आई वॉज टू इमेच्योर, एकदम से ट्वेल्थ के बाद आना है, इट्स नॉट ईजी राइट, तो फिर एकदम से आई तो कुछ पता नहीं था कि कैसे होएगा कैसे नहीं, और जितने भी रूममेट्स वगैरह थे वो अच्छे नहीं थे, किसी ने भी कोई भी हेल्प नहीं करी, बट मेरे जान पहचान थी यहाँ पे काफ़ी अच्छी किचनर में जहाँ पे मैं स्टार्टिंग में गई थी, तो मेरे को थोड़ा हेल्प हो गया था, बट जो बच्चे वैसे आते हैं जिनका कोई भी नहीं होता यहाँ पे, टू डिफिकल्ट। गाइस एक चीज और, कनाडा बहुत कुछ सिखा देता है, आप एडवाइस क्या देना चाहोगे जो नवे बच्चे आने वाले हैं? लाइक आओ लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके आओ, और मेक श्योर कि तुम्हारा कोई हो यहाँ पे, एकदम से ऐसे बिल्कुल अनजान जगह पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, सब कुछ अपने आप से हैंडल। बिकॉज मैं जब एयरपोर्ट पे काम कर रही थी तब वहां पे मुझे ऐसे ऐसे बच्चे भी दिखे जिनको लिटरली कुछ भी नहीं पता कनाडा के, दे डोंट इवन नो कि सिन नंबर क्या होता है, तो उनको उस पे भी बताना, लाइक सर्च करके आओ अपनी अच्छे से, और अपने आप को लाइक मेक श्योर करो कि तुम्हारे पास कोई हो तुम्हें एयरपोर्ट पे लेके आने के लिए, या फिर कोई टैक्सी रेडी हो तुम्हें पता हो तुम्हें जाना कहाँ। गाइस एक पॉइंट और भी है यहाँ पे, अगर आपको कोई नहीं जानता तो अपने कॉलेज को भी अप्रोच कर सकते हैं, जैसे सैनिका में एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप ऑफ सर्विस अवेलेबल है, अगर आपको नहीं पता कहीं जाना है तो आप दो दिन पहले उन्हें कॉल करें, वो आपको एयरपोर्ट से लेने भी आ जाएंगे। एक बात और बताओ, कभी ऐसा मन में आया इन चार महीने में भी काश यहाँ पे ना आते या वापिस चले जाओ? बहुत बार, हमेशा ही आता है, मेरे साथ तो यही हुआ है, लाइक मेरे को हमेशा ही लगता है कि इससे ज्यादा अच्छी लाइफ इंडिया में थी, बट ठीक है यहाँ पे हर एक चीज को टाइम लगेगा, धीरे धीरे कुछ सही हो ही जाएगा। सो गाइस मेरे हिसाब से कंक्लूजन क्या निकलता है इस वीडियो का, कि जैसी लाइफ हम इंडिया बैठे एक्सपेक्ट करते हैं कनाडा की, लग्जरी लाइफ, फन लाइफ, वैसी लाइफ आपको मिल सकती है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप आते ही महीने दो महीने में वैसी लाइफ इंजॉय करें, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, साल दो साल तीन साल बाद कहीं जाके आपका धीरे धीरे लेवल सेट होगा, उसके बाद ही एक स्मूथ लाइफ स्टार्ट होगी यहाँ पे।